वहीं राजधानी जयपुर में देश के पहले थिएटर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। देश में इस अनूठे तरीके के ओलंपिक को लेकर के रंगकर्मियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। दरअसल 1995 में ग्रीस से शुरू हुए थिएटर ओलंपिक का 8वां संस्करण 17 फरवरी से शुरू हो चुका है। खास बात यह है कि थिएटर ओलंपिक की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है, जिसमें विश्व के 30 देशों के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही जयपुर के लिए यह गर्व की बात है कि थिएटर ओलंपिक के प्रतिभागियों के लिए यह शहर मंच प्रदान करने जा रहा है। जयपुर में 18 मार्च से 1 अप्रैल तक इस थिएटर ओलंपिक के तहत 15 नाटकों का मंचन रविंद्र मंच पर किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लोक थिएटरों का मंचन होना है। ये पूरा आयोजन थिएटर ओलंपिक 2018 के जयपुर अध्याय, संस्कृति मंत्रालय और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, भारत सरकार के साथ रविंद्र मंच सोसाइटी, कला और संस्कृति विभाग राजस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। थिएटर ओलंपिक्स भारतवर्ष में हो रहा है। इसका उद्घाटन 17 फरवरी 2018 को लाल किला के सामने महिम भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया है। ये 17 फरवरी से 8 अप्रैल तक ये फेस्टिवल भारतवर्ष में हो रहा है। इसमें 450 के आसपास नाटक की मंचन होंगे यहाँ पे, और उसके साथ साथ 600 एम्बियंस परफॉर्मेंसेस, 250 अलेड एक्टिविटीज़ और यूथ फोरम सारे भारतवर्ष में 17 जगह पे ये हो रहे हैं। तो इसमें देश भर के लोगों के लिए नाटक की जो बेहतरीन नाटक निर्देशक है, नाटक है, उसको देखने के लिए मौका मिलेगा। और ऐसे ही विश्व भर से जो लोग आएंगे उनको भी भारत की जो संस्कृति की ताकत है उसको भी देखने के लिए मौका मिलेगा।